To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन, अभी के कलांश में आप तमाम लोगों को औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया के बारे में मेरे द्वारा अध्यापन कार्य किया जाएगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तमाम प्रकार के कारणों की जानकारी के बाद इस वर्तमान कालांश में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण जो है समझाने का, जैसा कि आप हैं किसी भी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना करने का निर्णय या उद्योग की स्थापना करना एक जटिल ही नहीं बल्कि दुष्कर कार्य, कारकों की उपलब्धता मायने रखती है। कई प्रकार के कारकों का उपलब्ध होना जरूरी रहता है किसी भी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए। इस तरह से यह औद्योगिकरण एवं साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, जिस तरह से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे का जो है पूरक है, पृथक नहीं है, उसी तरह से जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया का जब तीव्र विकास हुआ, रफ्तार जब हुआ, तो जो है प्रक्रिया में जो है विकास हुआ। यह औद्योगिकरण एवं शहरीकरण विकसित होने के साथ साथ चलने वाली एक जो है प्रक्रिया है, क्योंकि शहर के विकास के लिए उद्योगों ने कई प्रकार के सुविधाओं का विस्तार किया, वहीं पर जो है नगरों ने उद्योगों विस्तार के लिए प्रकार की सुविधाओं का मुहैया कराया। किसी भी निर्जन क्षेत्र में जब उद्योगों की स्थापना होती है तो वहां काम करने वाले श्रमिक के साथ साथ उनके परिवार, उनकी हर प्रकार की छोटी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से कई लोग जुड़ जाते हैं। इस तरह से निर्जन क्षेत्र भी धीरे धीरे आबादी से भर जाता है, जैसे वहां पर जो है नगर का विकास होता है, शहर का जो है विकास होता है। प्रारंभिक समय में एवं वर्तमान समय में ही जो है बड़े बड़े उद्योगों का विकास नगर के ही समीप हुआ था, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना नगर के ही समीप की गई थी, क्योंकि उद्योगों के विकास के लिए नगर के द्वारा जो है बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। नगर विकास के लिए बीमा, बैंकिंग, परिवहन, कुशल श्रमिक एवं वित्तीय सलाह इत्यादि का जो उपलब्ध कराया, वहीं जो है नगरों ने बाजार एवं वित्तीय सलाह के साथ साथ कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा करके उद्योगों के विकास के लिए जो है एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, एक बहुत बड़ी जो है आधारशिला रखी। यह तमाम प्रकार के लाभ से जो है वसी हो करके या तमाम प्रकार के नगरों के द्वारा, शहरों के द्वारा दी गई सुविधाओं के आधार पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना जो है शहर के समीप की हो गई, और इस तरह से नगर के चारों ओर या समीप में बहुत सारे जब उद्योग की स्थापना हो जाती है नगर के उपलब्ध लाभ के आधार पर, तो इस प्रक्रिया को जो है समूहन बचत कहा जाता है, समूहन बचत कहा जाता है। जब नगरों के आसपास कई छोटे एवं बड़े उद्योग की स्थापना हो जाती है तो इस प्रक्रिया को जो है समूहन बचत कहा जाता है, क्योंकि उद्योगों की बेहतर जो है विकास के लिए, बेहतर स्थापना के लिए नगरों ने कई प्रकार के जो है चीजों को, कारकों का उपलब्ध कराया, और इस आधार पर जो है नगर के आसपास जो है बहुत सारे उद्योग की स्थापना हुई, जहां नगर ने उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारे कारकों का उपलब्ध कराया, वहीं पर जो है उद्योगों ने जो है शहर के बड़े आकार देने के लिए तमाम प्रकार के उपभोक्ताओं को छोटी से बड़ी चीजों की जरूरत की आकांक्षाओं को जो है पूरा करने के लिए
हर प्रकार के वस्तु का निर्माण किया ताकि शहर में, नगर में, महानगर में रहने वाले लोगों का रोजगार के साथ साथ जीवन को सरल, सुगम एवं बेहतर बनाने का भी जो है उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए नगरीकरण एवं शहरीकरण जो है साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन भारत की आजादी के पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले यह औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वह विदेशी शासकों के द्वारा जो है उनके निर्णय के आधार पर चलती थी। विदेशी शासकों ने अपने देश के विकास के लिए हमारे देश को एक जो है कच्चे माल के उत्पाद एवं बेरहत जो है बाजार को रूप में ढाल दिया। हमारे देश से बड़े व्यापक पैमाने पर कच्चे माल इंग्लैंड जाते थे और चीजें हमारे देश के ही बाजारों में बिकती थी। इस तरह से अंग्रेजी सरकार दोहरा लाभ को उठाती थी और इस तरह से वह ब्रिटेन और इंग्लैंड विकसित शहर बनता गया, धनी देश बनता गया। और हमारा देश जब कच्चे माल को कम दर पर और विनिर्मित माल को ज्यादा दर पर जब खरीदना चालू किया तो धीरे धीरे गरीबी एवं कई प्रकार के जो आजादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण एवं प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर सुधार किया गया एवं कृषि एवं उद्योगों को पूरकतावादी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जो है प्रेरित किया गया। इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले औद्योगिकरण की प्रक्रिया देशी व्यापार एवं विदेशी व्यापारियों की जो है लाभकारी नीतियों के आलोक में चला करती थी। इस तरह से उस समय हमारे देश में ज्यादा औद्योगिकरण एवं शहरीकरण का रफ्तार एवं प्रक्रिया जो है ज्यादा जो डेवलप नहीं हो सका। केवल कुछ शहरों का विकास हुआ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे जो है महानगर एवं शहरों का ही विकास हुआ, औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई। इसके साथ साथ कुछ के क्षेत्रों में वैसे उद्योगों का भी विकास हुआ जो कृषि पर आधारित थे, अर्थात वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित थे और उनके कच्चे माल पर आधारित थे, तो वैसे क्षेत्र को, उद्योगों को जो है कृषि पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। कृषि पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है और यह कृषि पृष्ठ प्रदेश का विकास हमारे क्षेत्र में ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि बहुत कम ही उद्योग जो है कृषि पर आधारित थे और इस तरह से अपने कच्चे माल के लिए कृषि के आसपास उसकी स्थापना हुई। तो जिस उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के लिए कृषि आधारित एवं कृषि क्षेत्र पर हुई उस उद्योग को जो है कृषि वाली हिंटरलैंड वाली जो है इंडस्ट्री की संज्ञा दी गई थी। इस तरह से आजादी के बाद पहली बार औद्योगिकरण, कृषि के आधुनिकरण करने में, गरीबी हटाने में, बेरोजगारी को दूर करने में एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के जो है योजनाएं लाई गई और धीरे धीरे हमारा देश, चाहे वह कृषि को आधुनिकरण करने की बात हो, रोजगार गरीबी दूर करने की बात हो या मशीनों में कल पुर्जे लगाने की बात हो, पूंजी निवेश करने की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है हमारा देश विकास हुआ। आज भारत में जो है कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई। आज तरह से हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह औद्योगिकरण एवं शहरीकरण स्वाब तक जो है साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, प्रतिक्रियावादी नहीं है। जिन क्षेत्रों में उद्योग अवसली जो है स्वभावता वहां जो है शहरों की भी स्थापना हो जाएगी क्योंकि शहरों ने उद्योगों के भी जो है विकास के लिए बहुत सारे कार्यों को उपलब्ध किया तो उद्योगों ने भी जो है शहरवासियों के विकास के लिए, सुखमय जीवन के लिए बहुत सारे कार्यों का जो है उपलब्ध। उद्योग एवं शहर एक दूसरे को अनुनाश्रय संबंध के साथ जो है जुड़े हैं, गृह कार्य के रूप में जो है आप लिख लेंगे। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे औद्योगिकरण एवं शहरीकरण साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है कैसे लिखें। धन्यवाद।